राष्ट्रीय राजपूत करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की 3 हथियारबंद लोगों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिसके विरोध में आज पूरे राजस्थान में करनी सेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगरा हाईवे को जाम किया, भीलवाड़ा को बंद किया, ट्रेन को रोकने की भी कोशिश की, हालांकि ट्रेन को रवाना कर दिया गया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल उपखंड क्षेत्र के सभी बाजार बंद है। विरोध में उपखंड क्षेत्र के सभी निजी शिक्षण संस्थान बंद है। कस्बे के चौपड़ बाजार में सार्वजनिक सभा चल रही है। सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर के सेवा आसाराम चौक पर राजपूत समुदाय के लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एतिहातन कस्बे में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लगभग 2 दशक पुराने संगठन का उद्देश्य राजपूत समुदाय की रक्षा और संरक्षण करना है, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा मेडी के दिन दहाड़े हत्या की तस्वीरें अपने आप में कुछ और बयान करती है। हालांकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद करनी सेना के विरोध में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना भी आए। राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष को बहुत दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी, ऐसा उनकी ओर से कहा गया, और वो सरकार और पुलिस से सुरक्षा मांग रहे थे। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस को आगाह किया था। गोगा मेडी को सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। लेकिन अब सरकार और पुलिस के स्तर पर लापरवाही का परिणाम अब निर्मम हत्या के रूप में तब्दील हो चुका है। भरतपुर के जिला कलेक्टर को राजपूत समुदाय के लोगों ने भरतपुर SP SDM सहित पुलिस के आला अधिकारी की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा और मांग की कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक शुरू हो गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा सचिवालय में बैठक ले रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी कलेक्टर और SP के साथ चर्चा की जा रही है। खैर, सुखदेव सिंह गोगा मेडी पर गोली चलाने वाले 2 शूटर्स की पहचान हो गई है। एक का नाम रोहित राठौड़ मकराना और दूसरे का नाम नितिन फौजी है। रोहित नागौर के मकराना का, जबकि रोहित हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखने वाला बताया जा रहा है। नितिन अभी आर्मी में सेवा दे रहा था और अलवर पोस्टिंग पर है। नितिन फौजी 4-5 सालों से फौज में भर्ती हुआ था, लेकिन फौजी होने के बाद उसने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। गाँव के लोगों ने बताया कि नितिन राजस्थान के अलवर में पदस्थ था और नवम्बर में ही छुट्टी लेकर आया था, लेकिन फौज में रहते नितिन ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस सारे मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से मना कर रही है। नितिन 8 नवंबर को 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था और फिर कभी अपनी ड्यूटी पर वापस ही नहीं गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी नितिन का नाम अपहरण केस में आया था। 10 नवंबर को महेंद्रगढ़ के सदर में प्रताप उर्फ गोविंद शर्मा के अपहरण का प्रयास किया गया था। मामले में आरोपी कुलदीप राठी के साथ 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नितिन इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी भागने में सक्षम हुआ था। सूत्रों ने बताया कि कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत अपनी बुआ के बेटे की शादी का कार्ड देने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर आया था। इस दौरान नवीन अपने साथ रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को भी लेकर गया था। दोनों हमलावरों ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर में घुसकर उन पर गोलियां चला दी। पुलिस के अनुसार गोली लगने के बाद घायल गोगा मेडी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के दौरान हमलावरों ने अपने साथ आए नवीन शेखावत को भी गोली मार दी, जिसकी मौत हो गई है। बहरहाल लॉरेंस बिश्नोई गुल्डी बरार गिरोह के रोहित गुदारा के बाद में एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। पोस्ट में गुदारा ने कहा कि उन्होंने गोगा मेडी को मार डाला क्योंकि वो उनके प्रतिद्वंदियों के साथ साजिश रच रहा था। तो इस खबर पर भी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स।